Hi everyone, my name is Shashank Mishra and I am working as a data engineer in Amazon India, and I have done my master's in computer application from NIT Allahabad 2017 batch, and before that I did my graduation in BSc computer science from Lucknow University. So guys, meko abhi recently ye news sunne ko mili hai ki government se ye approval aa gaya hai ki jo master of computer application that means MCA hai. पहले ये कोर्स 3 साल का होता था, बट अब जितने भी टॉप NITs हैं जो कि MCA कोर्स कंडक्ट कराती हैं, वहां पर जो ये सिलेबस है अब वो 2 ईयर का रह जाएगा. सो मुझे बहुत सारी क्वेरीज भी आ रही थी एंड मुझे लगा कि आपसे इस बारे में इंटरेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अब इस चीज को लेके बहुत लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स भी होंगे कि हाउ थिंग्स गोना चेंज फॉर दिस करिकुलम. सो मैं कुछ पॉइंट्स में इस टॉपिक पे बात करूंगा कि हाउ दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट द एग्जाम्स एंड कैसे एग्जाम्स वगैरह में पैटर्न चेंज होगा, कैसा लेवल होगा, एंड जब आप एक अच्छे NIT में एंटर कर जाओगे देन वहां पर क्या इफेक्ट आने वाला है. सो फर्स्ट पहले बात करते हैं कि प्रिपरेशन. सो गाइस, पहले होता क्या था कि जब लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले होते थे तो उनके माइंड में बहुत डिफरेंट कोर्सेज के नाम चलते रहते थे कि MSc कर लें, MBA कर लें, MCA कर लें, राइट. तो जिनका पहले से कुछ एक डेडिकेटेड स्ट्रीम है कि उनको इस स्ट्रीम में जाना है, उनके लिए दैट इज फाइन, मतलब उन्हें शायद इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. अगर किसी ने सोच रखा है कि MBA ही करना है, सो दैट गाय विल गो फॉर MBA. किसी ने सोच रखा है कि MSc करना है या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, सो वो उस स्ट्रीम को चूज करेगा. बट आई एम गोना टॉक अबाउट उन लोगों के लिए जिनके माइंड में डिफरेंट कोर्सेज का कंपैरिजन चलता है, क्योंकि देयर स्ट्रीम इज नॉट फिक्स्ड. तो उन लोगों के लिए ये एडवाइस है कि अब पहले जो MCA था, लोग उसको क्या करते थे, थोड़ा सा इग्नोर करते थे, जस्ट बिकॉज कि इतनी आसानी से जो NIMCET एग्जाम है एक्चुअली, जिससे कि थ्रू हम जो NITs हैं उनमें जा सकते हैं फॉर MCA प्रोग्राम, तो इतना इजी होता नहीं था क्रैक करना. एंड दूसरा रीजन होता था कि 3 साल का वो होता था, तो लोग अवॉइड करते थे कि यार ऐसा कोर्स में क्यों जाना जहां पर कि 3 साल अपने जाएंगे, तो एक वो थोड़ा कंपैरिजन होता था. बट आई थिंक अब MBA भी 2 साल का है एंड MCA भी 2 साल का है, तो अब लोगों को जो कंपैरिजन करना है वो लेवल पे करना है, एग्जाम लेवल एंड फ्यूचर स्कोप उस पे करना है उनको कंपैरिजन. तो अब बात आती है कि पहले भी जो NIMCET का था लेवल, वो जो AIEEE या JEE मेंस वगैरह की तैयारी करते थे उस लेवल का ही एग्जाम होता था, क्योंकि जो NIMCET है उसका पैटर्न आज भी वैसा ही है. मैथ्स का वेटेज बहुत ज्यादा होता है उसमें, ऑलमोस्ट 50-60 क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के, देन रीजनिंग, देन इंग्लिश एंड देन कंप्यूटर्स. बट आज भी उसमें मैथ्स का जो लेवल है वो AIEEE और JEE के ही लेवल का है. तो अगर कोई भी NIMCET वगैरह को क्रैक करना चाहता है तो ये एक एरिया ऐसा होगा जिसपे बहुत ज्यादा फोकस करना होगा. एंड पहले तो फिर भी ठीक था, बट अब क्या होगा कि लोगों के पास 2 ऑप्शन सेम ईयर के हैं, तो कंपटीशन भी काफी बढ़ेगा. पहले अगर बार जो एग्जाम का था वो यहाँ होता था, तो अब वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा बढ़ेगा लोगों के बीच में, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग कंपटीशन में बैठेंगे, तो ऑब्वियसली फिल्टर करने के लिए या अच्छे कैंडिडेट सेलेक्ट करने के लिए लेवल को भी बढ़ाना पड़ेगा. तो गाइज, अब जो लेवल है वो आपको अपना भी बढ़ाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, कि आप अब प्रिपरेशन कैसे करोगे, आपको और ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी बढ़ेंगे एंड लेवल ऑफ एग्जाम भी बढ़ेगा और अच्छे NIT में जाने का कंपटीशन भी बढ़ेगा. तो आपको ये चीजें दिमाग में रख के बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करनी है. नाउ सेकेंड थिंग, कि अब क्या होगा कि अच्छे NIT में जाने के लिए, तो जब आप एक अच्छे NIT में NIMCET क्रैक करके अच्छे रैंक के साथ पहुंच जाओगे, अब वहां पर क्या होगा कि पहले 3 साल का कोर्स होता था, तो लोग फर्स्ट ईयर में होते थे थोड़ा सा लाइट रहते थे कि ठीक है, दे आर ट्राइंग टू ग्रैस्प. कि बहुत से लोग होते थे जो CS बैकग्राउंड से नहीं होते थे, बहुत से लोग होते थे जो शायद उस लेवल का करिकुलम पढ़ के नहीं आए होते थे कि उतने CS फंडामेंटल उनके स्ट्रांग हो. बट अब क्या होगा कि आपके पास टाइम बहुत कम होगा, आपको बहुत जल्दी से ग्रैस्प करना पड़ेगा. लाइक आप डे वन से, आप जब अपने कॉलेज में जाओगे, आपको अपने बेसिक्स, CS फंडामेंटल्स, प्रोग्रामिंग और जितने भी फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं उन पे आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा
अगर आप जो है अगर नॉन सीएस बैकग्राउंड से हो तब तो आपको और भी ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप वहां पर एक एक दिन को वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो जो कोर्स है वो 2 साल का है, तो आपको हर एक मिनट और हर एक दिन यूटिलाइज करना पड़ेगा जब आप एनआईटी में जाओगे। तो एक ये चीज सबसे ज्यादा मैटर करेगी आफ्टर क्रैकिंग द निमसेट, जब आप वहां पर पहुंच जाओगे। मतलब कैसे एकदम बीत जाएंगे सेमेस्टर्स और कैसे ईयर बीत जाएगा आपको भी पता नहीं लगेगा। तो मेरी एडवाइस यही होगी, क्योंकि यही दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा कंसर्न वाली है, कि एग्जाम का जो लेवल होगा वो, एंड सेकंड थिंग वहां पे जाके अब क्या चेंज होने वाला है। सी एनआईटीज वगैरह में कंपनीज अच्छी आती हैं एंड आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बट अब आपको अपनी प्रिपरेशन का जो है वहां पर बार भी बढ़ाना होगा, क्योंकि आपको फटाफट कोडिंग में एक्सपर्ट बनना है, कोडिंग में मास्टर करना है, अपने आपको सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ने हैं एंड अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर बहुत सारा ध्यान देना है, अच्छे प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो वो 4 सेमेस्टर कैसे निकल जाएंगे आपको भी पता नहीं लगेगा। सो गाइज बी प्रिपेयर फॉर दैट एंड अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करना हर चीजों के लिए। नाउ मुझसे बहुत सारे लोग हमेशा पूछते थे कि आपने एमसीए का प्लान कैसे करा एंड आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिली, व्हाई डिड यू चूज एमसीए। तो मेरा उन सबको यही सजेशन था कि जब मैं अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में था, मैं भी बहुत कंफ्यूज था कि अब मेरा फ्यूचर किस चीज में होगा। तो वहां मैं भी इसी ही तरीके की सिचुएशन में आ गया था कि डिफरेंट कोर्सेज को कंपेयर कर रहा था, तो वहां पर आई गॉट टू नो अबाउट आईएनपीएस क्लासेस। तो आईएनपीएस क्लासेस से मैंने बात करी वहां पर नितिन अग्रवाल सर से, उनसे बात हुई, उन्होंने जब मेरे को बताया कि इस कोर्स और जो अदर कोर्स के बारे में मैं सोच रहा हूँ उनके जो कॉम्पिटिशन्स हैं या जो एग्जाम्स देते हैं उनके लेवल में क्या डिफरेंस है, किस तरीके का कॉम्पिटिशन, कितने लोगों से कॉम्पिटिशन है एंड व्हाट इज द रेपुटेशन ऑफ एनआईटी। एक एनआईटी में जाने के बाद आप वहां से जो एक पर्सनैलिटी बन के निकलोगे वो बहुत अलग डिफरेंट होने वाली है एंड दैट विल चेंज योर लाइफ। एंड नाउ यू गाइज कैन सी मी कि मैं आज कहाँ पर आ चुका हूँ 3 साल में, एंड कैसे इस एनआईटी के करियर ने मेरा मेरा जो एकदम है लाइफस्टाइल एंड मेरी पूरी पर्सनालिटी चेंज कर दी है। आई एम वर्किंग इन अमेजोन एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ दैट एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ आईएनपीएस क्लासेस एंड नितिन अग्रवाल सर फॉर प्रोवाइडिंग मी सच अ वंडरफुल गाइडेंस। एंड उन्होंने मेरे को इतना ज़्यादा पॉलिश करा है, 1 साल जब मैंने वहाँ पर कोचिंग करी मेरे को इस लेवल का बनाया कि मैंने निमसेट क्रैक करा विद ऑल इंडिया रैंक 43। मैं किसी भी एनआईटी में जा सकता था बट आई ऑप्टेड फॉर एनआईटी इलाहाबाद बिकॉज ऑफ माई पर्सनल रीजन, बट दैट डजेंट मैटर। अगर आप अपने आप में हार्ड वर्किंग हो एंड अच्छे हो, सो अगर आप टॉप 4-5 एनआईटीज में किसी में भी जाओगे आपको सिमिलर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी एंड आपको अपने सिमिलर डेवलपमेंट पे हर एक चीज पे काम करना पड़ेगा। तो आई एम रियली रियली थैंकफुल टू आईएनपीएस क्लासेस। एंड गाइस सबको पता है कि अभी ये जो पैंडेमिक आया है इसकी वजह से हर एक इंडस्ट्री जो वो कितनी बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुई है, इवन आवर एजुकेशन सिस्टम जहां पर कि स्टूडेंट्स को प्रॉपर क्लासेस नहीं मिल पा रही, एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए एंड उनके भी लाइफ स्टाइल बहुत ही बुरी तरीके से हैम्पर हो गया है। सो अब जो इवन इस साल जो अगला बैच जाने वाला है एमसीए के लिए उसके माइंड में भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि कोचिंग क्लासेस ओपन नहीं है एंड किसी भी तरीके से दे आर नॉट एबल टू स्टडी एंड दे आर रियली वरीड अबाउट देयर करियर। तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए आईएनपीएस क्लासेस एंड नितिन अग्रवाल सर ने इतना एफर्ट करके दे स्टार्टेड दिस ऑनलाइन प्रोग्राम फॉर एमसीए प्रिपरेशन। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है एंड अभी तक गाइस इंडिया में किसी भी कोचिंग ने ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट नहीं करा है, जहां पर कि आप घर बैठे ही पूरी तैयारी कर सकते हो, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आपको कोचिंग जाना है कुछ करना है। आपके लिए बिल्कुल ये एटमॉस्फियर वैसा ही होगा जैसा आप एक फिजिकल प्रेजेंस देते हो कोचिंग में एंड आप घर से बैठ के पढ़ोगे। सेम तरीके का एफर्ट जो सर वहां लगाते थे वो ही इन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में भी मिलेगा एंड हेल लॉट ऑफ स्टफ फॉर यू गाइस प्रिपरेशन के लिए। आप लाइक आंसर शीट्स और क्वेश्चन शीट्स को पढ़ते पढ़ते रह जाओगे, इतना ज्यादा मटेरियल आपको मिलेगा फॉर प्रिपरेशन के लिए। तो गाइस बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है ये। एंड जो भी मुझसे ये पूछ रहे थे कि कैसे यू मैनेज, तो मैं ही एक एग्जाम्पल आपके सामने बैठा हूँ कि सर ने किस तरीके की गाइडेंस दी है अपने स्टूडेंट्स को जो भी डिफरेंट बैचेस में आते हैं। आज दे आर वर्किंग इन लाइक मल्टीनेशनल कंपनीज एंड
दे आर लाइक ऑल अक्रॉस द ग्लोब. सो हमारे IELTS बैच के बंदों की जो प्रेजेंस है वो ऑल अक्रॉस द ग्लोब है. सो आई होप कि ये जो थॉट है मेरा वो आपके जो माइंड में कोचिंग्स को लेके थोड़ा चलता रहता है डिस्प्यूट कि कहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए. तो मेरा पर्सनल सजेशन ये कि IELTS क्लासेस आर द बेस्ट. नितिन अग्रवाल सर की जो गाइडेंस है दैट इज रियली बेस्ट. एंड मैंने अगर अंडर 50 और इस तरीके की रैंक के साथ क्रैक कर सकते हो नीम सेट तो आप भी कर सकते हो गाइज. अब मैं आपको बहुत सारे जो अभी फीचर्स इस ऑनलाइन प्रोग्राम में एंड क्या क्या आपको प्रोवाइड होगा इस ऑनलाइन करिकुलम कोर्स में IELTS क्लासेस के थ्रू उसके लिए मैं गाइड करूंगा. एंड बस यार यही यही सजेशन है कि लेवरेज दिस अपॉर्चुनिटी. एंड यार IELTS क्लासेस में एक सबसे सबसे खास बात यही है कि हर एक टॉपिक के लिए यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रीम के टीचर्स है. इट्स नॉट लाइक दैट कि एक ही टीचर है वो ही आपको सारी चीजें कवर करवा पा रहा है जिसमें कि इवन वो मास्टर भी नहीं है. सो IELTS क्लासेस में गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है. मैथ्स के लिए वी हैव अ सेपरेट टीचर, फॉर रीजनिंग वी हैव अ सेपरेट टीचर. एंड जिनको कि 10 10 15 15 साल का एक्सपीरियंस है अपनी डोमेन का जिसमें कि वो मास्टर है, तो गाइज आप खुद समझ सकते हो कि किस लेवल की गाइडेंस वो आपको प्रोवाइड करेंगे जब आप इस तरीके के कोर्सेज में इनरोल होगे. तो आई थिंक दिस इज द रियली रियली गुड प्लेटफॉर्म एंड रियली गुड कोचिंग. एंड यू गाइज शुड ज्वाइन इफ यू आर थिंकिंग टू क्रैक द NIMCET एंड टू गेट इन टू द NIT एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर ड्रीम कंपनीज. देन आई वुड से यू गाइज शुड ज्वाइन द IELTS क्लासेस इफ यू हैव सम डाउट्स इन योर माइंड एंड जस्ट मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू गाइज. मैं आपसे बात कर रहा था कि IELTS क्लासेस ने जो है वो ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है फॉर जो बैच 2021 एंड 2022. तो आई जस्ट वॉन्टेड टू वॉक यू थ्रू कि कौन से चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया इस ऑनलाइन प्रोग्राम में सो दैट ये आपके और सारे डाउट्स क्लियर कर पाए माइंड में कि क्या होगा क्या नहीं होगा इस ऑनलाइन प्रोग्राम में. सो एज यू कैन सी कि हमारा जो प्लान है दैट इज़ कि डेली 90 मिनट्स की लाइव क्लासेस होंगी प्लस 30 मिनट्स का डाउट क्लियरिंग सेशन होगा जिसमें कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप वन बाय वन उसमें क्लियर कर सकते हो. एंड लाइव क्लासेस का जो शेड्यूल है यू गाइस कैन सी कि मंडे टू फ्राइडे मैथमेटिक्स एंड सैटरडे संडे कंप्यूटर्स क्वांट लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश. एंड जो ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं दैट कैन बी एक्सेस थ्रू IELTS मोबाइल ऐप और IELTS वेबसाइट. सो गाइज हमारी प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन एक्सेस दीज ऑनलाइन क्लासेस. एंड अल्टरनेट पर क्या होगा कि हमारा ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंडक्ट कराया जाएगा आफ्टर एवरी लाइव क्लास. सब टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एवरी ऑल्टरनेट डे. एंड इसी के साथ हमारा वीकली ऑनलाइन टेस्ट भी होगा. ऑन वन वीकली ऑनलाइन टेस्ट ऑफ कंप्लीट टॉपिक विल बी कंडक्टेड, टोटल 240 ऑनलाइन टेस्ट. सो गाइज आप खुद सोच सकते हो कि किसने लेवल की तैयारी IELTS क्लासेस में कराई जाती है रिगार्डिंग एंड NIMCET प्रिपरेशन की. 240 ऑनलाइन टेस्ट मतलब आप इतने सारे टेस्ट देने के बाद आप एकदम मास्टर हो जाओगे एंड इन सब्जेक्ट्स में एंड बहुत ईजिली NIMCET को क्रैक कर लोगे. अपार्ट फ्रॉम दैट जितना भी स्टडी मटेरियल है दैट विल बी प्रोवाइडेड एज अ ई बुक और योर ई मेल एंड दैट कैन बी एक्सेस ऑन आवर वेबसाइट एंड ऑन आवर एप्लीकेशन एज वेल. एंड स्टडी मटेरियल में वी हैव कैटेगराइज डिफरेंट टॉपिक्स. सो आप देख सकते हो यहाँ पे कि थियोरिटिकल पार्ट है वो भी कवर किया जाएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जितना भी पार्ट है वो सारा हमारे इन ऑनलाइन क्लासेस में कवर किया जाएगा. एंड प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उन सब की प्रैक्टिस कराई जाएगी सो दैट आपको आइडिया हो पाए कि किस तरीके का एग्जाम पैटर्न पिछले साल आता था. बट ऑल्दो जब हमें पता लग गया है कि हमारा जो फॉर्मेट है वो चेंज हो चुका है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कंपटीशन टफ भी होगा जिसकी वजह से अब जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ेगा. एंड शॉर्ट ट्रिक वीडियोज़ जो भी डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनमें कि हम थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं वो सारी कवर की जाएंगी इन ऑनलाइन क्लासेस में. एंड एडवांस ऑनलाइन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इनरोल्ड फॉर आवर लाइव क्लासेस वी आर इंट्रोड्यूसिंग एंड एडवांस ऑनलाइन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म विच विल गिव यू डिटेल एनालिसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग ऑनलाइन मॉक टेस्ट. सो आप अपने
जो एनालिसिस है टेस्ट का वो खुद देख सकते हो कि आप किस टेस्ट में किस सब्जेक्ट में कितना अच्छा कर रहे हो, सो दैट इससे आपको ही हेल्प होगी कि आप अपने जो जो वीकनेसेस हैं उन पे अच्छे से काम कर पाओगे अगर आपको ये सारी चीज़ें टाइमली पता लगती रहेंगी। एंड हमारे ऑनलाइन टेस्ट का पैकेज भी है, लाइक वीकली टेस्ट सीरीज, दीज टेस्ट कैन बी अटेम्प्टेड ओनली ऑन गिवन डेट गिवन टाइम विच इज डिसाइडेड बाई एनपीएस क्लासेस अकॉर्डिंग टू योर टाइम एडमिशन। दिस इज अ वीकली ऑनलाइन टेस्ट एंड विल बी शेड्यूल्ड ऑन संडेज, इट विल बी लाइक अराउंड 2 आवर्स। सो इतने इतने ज़्यादा टेस्ट आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे गाइस कि आप खुद सोचोगे कि खुद कुछ टाइम बाद फील करने लगोगे कि आप कितना ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हो इन सब्जेक्ट्स के साथ में। प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज भी हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने जो भी टॉपिक्स हैं उनको 3 लेवल में डिवाइड कर रखा है, क्योंकि हमारा हमेशा आईएमपीएस क्लासेस का यही फंडा रहता है कि वो किसी भी स्टूडेंट को ओवरबर्डन नहीं करते चीज़ों से, चीज़ों को बहुत ही स्मूथ वे में एंड सीक्वेंशियली पढ़ाया जाता है सो दैट स्टेप बाय स्टेप लेवल्स को क्रॉस किया जा सके। सो इसी तरीके से हमने अपने जो पूरा करिकुलम है, जो भी पूरा सिलेबस है निमसेट के लिए, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, आरंभ, प्रयास एंड सफलता। टोटल 180 ऑनलाइन टेस्ट विच कैन बी अटेम्प्टेड बाय एनी नंबर ऑफ टाइम्स, आप जितनी बार चाहो उन टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। एक बार आपसे गलत होगा, 2 बार गलत होगा, बट जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा आपको। एंड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और रिगार्डिंग कि हमारा पास और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं इन ऑनलाइन क्लासेस में। एंड सबसे बड़ी बात गाइस कि जितना भी आईएमपीएस क्लासेस में कुछ पढ़ा जाता है, जितनी भी लाइव क्लासेस या कुछ होती हैं आपसे मिस भी हो जाती हैं, तो आप उनके रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हो। लाइक अभी भी 450 से ज़्यादा हमारे पास रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल हैं साइट पे, जो कि आप देख सकते हो एंड उनसे बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आई होप गाइस आप देख सकते हो कि किस लेवल का मटेरियल एंड किस तरीके का एडवांटेज मिल सकता है आपको इन ऑनलाइन क्लासेस से। लाइक आपको वही इन्वायरमेंट मिलेगा जैसा आप बिल्कुल फील करते थे जब आप फिजिकली प्रेजेंट होते थे क्लासेस में। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग आपको यहाँ पर भी मिलेगी गाइस, एंड दिस इज बेस्ट। लाइक जैसी सिचुएशन इस टाइम पे है एंड किसी को भी नहीं पता आने वाले कितने सालों में ये सब कुछ ठीक होने वाला है, तो मेरा सजेशन ये कि बिना टाइम वेस्ट करे यू गाइज शुड एनरोल, यू गाइज शुड इन टू एनरोल दिस कोर्स। एंड जो भी अपने करियर के एंड ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, लाइक यूजिंग एम सी ए एंड जिनका प्लान है इस सी एस फील्ड में कुछ करने का, तो गाइज यू यू शुड ज्वाइन दिस कोर्स। एंड ऐसा फीस स्ट्रक्चर भी देख सकते हो आप लोग की लाइव क्लासेस का जो प्रोग्राम है उसकी जो फीस है दैट इज 35,000 गाइस, ये बहुत ही चीप है। आप बिलीव नहीं करोगे कि जब नॉर्मल ऐसे क्लासेस होती जब वहाँ पे आपको कोचिंग में जाके पढ़ना होता है, तो डिफरेंट कोचिंग्स जो है कितना ज़्यादा अमाउंट, इवन आई एम प्रेस क्लासेस आज भी सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है इस मामले में कि बहुत ही कम फी चार्ज करते हैं। एंड आप और भी कहीं की कोचिंग का पता करोगे तो बहुत ज़्यादा हाई फीस है उनकी फॉर दिस करिकुलम। एंड लाइक आपको गाइस आप देख सकते हो आपके सारी चीज़ों में ही बेनिफिट है, आपको जाना नहीं है, आपका ट्रैवल कन्वेंस बचना है, आप घर में आराम से सुकून से बैठ के पढ़ सकते हो, आपके पास सिर्फ एक लैपटॉप होना चाहिए, इवन आपके पास मोबाइल है तभी भी यू आर फाइन, एंड जस्ट अ गुड इंटरनेट कनेक्शन, दैट्स इट। एंड उस प्रोग्राम के लिए जो फीस है दैट इज ओनली 35,000, एंड जो मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक सो कि इससे कम फी में आपको कोई भी प्रोवाइड करेगा इन इंटायर इंडिया फॉर एमसीए क्लासेस। तो एंड अभी गाइज ऑफर चल रहा है क्योंकि वी हैव जस्ट रिलीज दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हो अपने आप को इनरोल करने के लिए इन दिस प्रोग्राम, देन यू विल गेट अ 5,000 ऑफ डिस्काउंट। एंड ये गाइज ऑफर जो है वो 20 जुलाई तक है, तो बहुत ही कम टाइम बचा है, फटाफट अपने आप को एनरोल करो विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड लेट योर ड्रीम्स कम ट्रू।